पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में मैचेस का ट्रैफिक प्लान जारी। शहर कायद में मैचेस का आगाज कब से होगा? कौन कौन से रास्ते बंद होंगे? कहां सिर्फ मखसूस गाड़ियों को इजाजत होगी? स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए पार्किंग के इंतजाम कहां किए गए हैं? स्टेडियम आने वाले शायकीन को किन बातों का ख्याल रखना है? मैचेस के दौरान सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होंगे? तमाम मालूमात जाने इस वीडियो में। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का मेला लाहौर और मुल्तान के मैदानों पर सज चुका है। शहर कायद में PSL के मैचेस का आगाज 28 फरवरी को होगा। कराची में लीग के फाइनल समेत 11 मैचेस शेड्यूल हैं। फाइनल मैच 18 मार्च को खेला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आमदोरफ्त बरकरार रखने और स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे और इस बार स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए नेशनल स्टेडियम के सामने वाके नेशनल कोचिंग सेंटर से मुतसिल चाइना ग्राउंड में पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कारसाज से आने वाले शायकीन हजरत हबीब इब्राहिम रहमतुल्ला रोड और फिर स्टेडियम फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए चाइना ग्राउंड में पार्किंग कर सकते हैं। मिलेनियम से आने वाले शहरी स्टेडियम रोड से आएंगे और स्टेडियम फ्लाईओवर के नीचे होते हुए चाइना ग्राउंड में जाकर गाड़ियां पार्क कर सकेंगे और इसी तरह न्यू टाउन से आने वाले शहरी भी स्टेडियम रोड पर आकर आगा खान अस्पताल के बाएं जानिब चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क करेंगे। मैचेस के दौरान सोहराब रोड से नीपा चौरंगी की जानिब हैवी ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर और इसी तरह पीपी चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड की जानिब सड़क पर भी हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। कारसाज से स्टेडियम, मिलेनियम से न्यू टाउन और स्टेडियम सिग्नल से हसन स्क्वायर तक भी हैवी ट्रैफिक को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मैचेस के दौरान स्टेडियम की जानिब आने वाली तमाम सड़कों पर छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की आमदोरफ्त जारी रहेगी और उनके दाखिले पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस एलामिया के मुताबिक सिर्फ हसन स्क्वायर से स्टेडियम की जानिब आने वाली सड़क जिसे सरशाह सुलेमान रोड कहा जाता है ये तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगी। तहम स्टेडियम से हसन स्क्वायर की जानिब जाने वाली सड़क पर आमदोरफ्त जारी रहेगी। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जारी करदा शरायत और जवाबित के मुताबिक स्टेडियम आने वाले हर शहरी के पास असल शनाख्ती कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी होना जरूरी है। मोबाइल में मौजूद टिकट की तस्वीर ई कॉपी कबूल नहीं की जाएगी। जिन बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने हैं उनके बेफॉर्म होना लाजमी है। PSL मैचेस के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की सदारत में होने वाले इजलास में सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। मैचेस के दौरान मजमुई तौर पर 5,600 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। IG सिंध ने हिदायत की है कि इवेंट के दौरान बासलाहियत मेहनती तजुर्बेकार अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी खिदमात पर मामूर किया जाए। किसी भी किस्म की खुफिया मालूमात फ्रेट को हरगिज नज़रअंदाज न किया जाए। रमजान में PSL इवेंट के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को अफ्तार रात का खाना और पीने का साफ पानी लाजमन फराहम किया जाए। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों और एजेंसियों से मरबूत राब्तों को यकीनी बनाया जाए।